आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी प्रशांत शर्मा शुक्रवार देर रात पुलवामा में हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। शहादत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी शहीद के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जनपद मुजफ्फरनगर निवासी सेना के जवान प्रशांत शर्मा जी के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्होंने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त की। साथ ही शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर रखने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।